सभी लोगों को हेलो। और मैं मिलवाने वाली हूँ अपनी जीजी से, जो जीजी आई है घर। ये रही जीजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर अंशु। ओके, तो अंशु जो है वो मेरी रियल सिस्टर है, और इस सवाल को बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। बहुत सारे अंशु पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख ही सकते हो। सो इधर अम्मा भी बैठी हैं थोड़ा घूमने के लिए, एक दो दिन के लिए दादी को देखने के लिए। और तो फिर मैंने सोचा कि अंशु के चैनल पे क्यों ना आया जाए। हाँ, सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपनी जीजी से मिलवाओ, जीजी से मिलवाओ रारा। और आप मेरे चैनल को ज़रूर देखते होंगे, अगर आप नहीं देखते हैं तो जा करके देखिए, रारा रारा लाइफस्टाइल, इंडियन यूट्यूबर रारा एंड फेरी द ट्रैवलर। और हाँ, फेरी भी आई हैं, बट इस वक्त वो अंदर बैठी हुई हैं, सो रही हैं। हाँ, वो सो रही हैं। और अगर आप बोलोगे तो मैं फेरी से मिलवा दूँगी। बास्केट ले आओ ज़रा। ले आऊँ? हाँ। और इधर बैठी हैं अम्मा। ओके, और जो जो पूछना है जीजी से पूछ लो। हाँ, सब लोग पूछते हैं। हाँ, कि ओके, सवाल कर सकती हो जी। आपकी जो मतलब तुम मेरी सगी बहन हो। हाँ, ये मेरी सगी बहन है। और पूछते हैं कि कब कब आती हो घर जीजी? साल में एक बार, जब मुझे बहुत कोई खास इमरजेंसी होती है या कुछ खास यहाँ पे काम होता है तो ज़रूर, बिकॉज उतना टाइम नहीं मिल पाता। और एक सेकेंड, ये आ गई है मेरी फेरू, क्योंकि ये अभी बास्केट में है, क्योंकि यहाँ पे ना जेरी और टॉम भी है, उसकी वजह से थोड़ा सा फेरी को सफ़र करना पड़ रहा है। अभी देखते हैं कि फैमिली बहुत स्वीट है। अच्छा, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, अपने बारे में भी तो बोलती रहूँगी। और हाँ, आप लोगों ने मेरा अगर टिकटॉक नहीं देखा तो जाके प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। टिकटॉक मेरा नाम, टिकटॉक पे मेरी आईडी है रश्मि रातुल त्रिपाठी के नाम से, रश्मि से मिल रहा है। अच्छा, ओके, रारा हैशटैग रारा करेंगे तो मिल जाएगा एक दो वीडियो। और मैंने ना टिकटॉक पे अभी ज्वाइन किया है, तो मेरी वीडियो आपको धीरे धीरे मिलेंगी, इम्प्रूव वीडियो, अभी तो ऐसी ही वीडियो है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा, ओके, प्लीज़, मैं अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर यहाँ पर देख रहे हैं मुझको, तो मैं उनको बोलूँगी कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और इनके वीडियोज़ ज़रूर देखें। और स्पेशली इनका जो एक नया चैनल है अंशु की किचन, इन्होंने स्टार्ट किया है, शी लव्स कुकिंग, इस वजह से तो उसको जा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो। और बाकी मैं तो जो मैं भाग गई थी कहाँ। हाँ, रारा लाइफस्टाइल पे आपने एक वीडियो देखा होगा, माय स्वीट क्रेजी फैमिली, उसी में ये थी जिन्होंने सीन क्रिएट कर दिया था, वहाँ पे भाग गई थी ये अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे। सो अच्छा लग रहा है मुझे आपके चैनल पे आकर के। और जो अगर आपके कोई सब्सक्राइबर हैं वो मेरे अगर सब्सक्राइबर नहीं बन पाए हैं तो ज़रूर से आइए मेरे चैनल पे, आपका वेलकम है, स्पेशली रारा पे और रारा लाइफस्टाइल पे। और आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम पेज है मेरा रारा प्रोडक्ट। और डिस्क्रिप्शन में आपको हम दोनों के सारे चैनल के लिंक मिलेंगे, सभी सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं हमारे, सबके लिंक मिल जाएंगे, तो आप जा कर के हमें फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। और हाँ, साथ में मेरे भाई के चैनल का लिंक भी होगा, सो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, उनको भी सब्सक्राइब करिएगा उनके चैनल को। ये बैठे हैं वो, ठीक है, ओके। और आज इनको विश कर देते हैं, इनका है जन्मदिन, तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आपने हमको अपनी वीडियो से कट कर दिया है। ओके, और कुछ, और कोई कुछ कहना है आपको? नहीं। और आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है? सब लोगों को मिलने की इच्छा थी कि कभी दीदी आए तो दीदी से मिलवाइए। और हाँ, हम लोग कैसे रहते थे हॉस्टल में, कैसे रहते थे हम लोग, क्या करते थे हॉस्टल में? साथ में रहते थे, ये हमारी रूममेट थी, और बहुत ही छोटी थी उस समय, 11th में थी, 16 साल की थी, 11th 12th से साथ में थे। उसके बाद में फिर इन्होंने बाहर पढ़ाई की है, तो फिर हम अलग अलग रहे, दो तीन साल, तीन साल हम लोग साथ में रहे हैं हॉस्टल में। और तो अच्छा था, तो मेरी ठीक रूममेट थी, काम कर लेती थी सारा। हाँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और जीजी मुझे बजा देती थी। हाँ, सुबह लात मार के उठा उठा के पढ़ाने के लिए बजा देती थी मैं इनको सुबह 5 बजे, क्योंकि ये स्टडी में थोड़ा वीक थी स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं धीरे धीरे धीरे, मैं इनको बोलती थी कि ये रोजाना कम से कम 2 पेन खर्च करें एटलीस्ट, और 1 से 2 रफ कॉपी। तो धीरे 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 वो पॉसिबल हो पाया, और उसके बाद में चीज़ें जो है वो आसान हो गई। और मेरे पास कितने पेन हो गए थे? हाँ, बहुत हो गए थे, लाइक इतने पेन खाली हो गए थे, और रफ तो बोरी भर गई थी। ठीक है, अच्छा लग रहा है, पिटाई लगती थी मुझे।
हाँ बहुत मारती थी मैं अगर ये पढ़ती नहीं थी तो। हाँ ये मतलब प्यार भी बहुत करती लेकिन स्ट्रिक्ट जीजी है। हाँ तुम्हारे स्टूडेंट पीछे जाग रहे हैं। हाँ मेरे सारे के सारे स्टूडेंट बच्चों को पढ़ा लो। और देखिए मैं फिर बोल रही हूँ जो भी मेरे सब्सक्राइबर अगर देख रहे हो तो प्लीज़ इनके चैनल को वही सब्सक्राइब कर लीजिए और हम डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक देंगे ना उन सभी पे हमें फॉलो ज़रूर कर लेना, प्लीज़ फॉलो कर लेना ओके। और मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे है ना, फेसबुक पे, हाँ हर जगह। थैंक यू और मेरी वीडियो जरूर।